हमारी विधायक जो है सिद्दीकी श्रीमती रीति पाठक जी, जनता में उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। ये क्या है, सब नारियों का बड़ा सम्मान करती हैं। हम बहनें, महिलाएं, बेटियां, ये सब आत्मनिर्भर बने, ये सब सशक्त बने और इनका स्वयं का संबल हो, इसका प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से होता है। ये बहुत अच्छी बात है और अच्छे आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं यूट्यूब में, बहुत बड़ी बात है। आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं, खूब आगे बढ़िए और देश के लिए काम कीजिए। जी धन्यवाद। और अच्छे मैसेज के साथ काम। और आप मध्य प्रदेश आए हैं, आपका स्वागत है। आज आप हमारे यहाँ भी आए हैं, खूब स्वागत करती हूँ। आप ये जो सरकार बनी हुई है, लाडली बहना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बारे में यहाँ की, यहाँ पे माओ का जो सम्मान है वो बहुत अच्छी नियम लागू है। बहुत अच्छा। तो मतलब आपको पता है कि हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर देश है, है ना? आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2047 का वर्क प्लान हमारा तैयार हो चुका है मोदी जी का, ठीक है। हमारे प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजना लागू की, जो लाडली बहना योजना है, और 33% का आरक्षण जिसमें हम सब शामिल हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं वो मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप एक यूट्यूबर हैं और आप, सुना मैंने आप घोड़ा भी राइड करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं और साड़ी पहन के करती हैं ना? सब साड़ी पहन के। ये बहुत अच्छी बात है और अच्छे आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं यूट्यूब में, बहुत बड़ी बात है। आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारी सरकार और हमारे देश के नेता मोदी जी, और इनका बहुत ही ध्यान रहता है देश की आधी आबादी पर। आधी आबादी मतलब हम बहनें, महिलाएं, बेटियां, ये सब आत्मनिर्भर बने, ये सब सशक्त बने और इनका स्वयं का संबल हो, इसका प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से होता है। और आप मध्य प्रदेश आए हैं, आपका स्वागत है। आज आप हमारे यहाँ भी आए हैं, खूब स्वागत करती हूँ। आप अपने पूरे परिवार के साथ, टीम के साथ आए हैं और मैं ज़रूर कहूँगी कि माँ शारदा के दर्शन कीजिए, कामतानाथ जी के दर्शन कीजिए, है ना, बागेश्वर धाम भी जाइए। आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आप इतनी दूर से आई हैं? जी। अच्छा, मध्य प्रदेश आने के लिए किसने कहा आपको कि आप मध्य प्रदेश जाइए? हमारी जो यूट्यूबर सब्सक्राइबर से उन्होंने सब मैसेज किए कि हमारे यहाँ राज्य में आओ, तो इसलिए हम लोग आए हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश आए पहली बार, तो दूसरे उसके बाद उत्तर प्रदेश जाएंगे, उसके बाद गुजरात है, सब राज्य में जाते। अच्छा, आप सारे प्रदेश जाएंगे ना? जी। तो यहाँ कितने दिन से हैं? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गया? जी। अरे वाह, अच्छा लगा यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। लोग अच्छे हैं? लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आज जो मध्य प्रदेश को उसे ठीक हमको जो हमारा जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बुलाए कि यहाँ से आकर आरम्भ कीजिए और यहाँ पे चित्रकूट है जो भगवान जी मंदिर, वहाँ पे दर्शन करिए और वहाँ से शुरुआत कीजिए। हमारा यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से स्वागत हुआ है और हम लोग आए हैं, जो महिलाएं हैं साड़ी पहनकर घर में रुक जाती है, उनको कैसे बाहर निकल कर कुछ बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो सरकार बनी हुई है, लाडली बहना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बारे में यहाँ की, यहाँ पे माओ का जो सम्मान है वो बहुत अच्छी नियम लागू है। बहुत अच्छा। तो मतलब आपको पता है कि हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर देश है, है ना? आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2047 का वर्क प्लान हमारा तैयार हो चुका है मोदी जी का, ठीक है। हमारे प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजना लागू की, जो लाडली बहना योजना है, और 33% का आरक्षण जिसमें हम सब शामिल हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया।
तो निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं वो मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप एक यूट्यूबर हैं, और आप सुना मैंने आप घोड़ा भी राइड करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं और साड़ी पहन के करती हैं ना जी, सब साड़ी पहन के, ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छे आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं यूट्यूब में, बहुत बड़ी बात है। आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारी सरकार और हमारे देश के नेता मोदी जी और इनका बहुत ही ध्यान रहता है देश की आधी आबादी पर। आधी आबादी मतलब हम बहनें, महिलाएं, बेटियां, ये सब आत्मनिर्भर बने, ये सब सशक्त बने और इनका स्वयं का संबल हो, इसका प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से होता है। और आप मध्य प्रदेश आए हैं, आपका स्वागत है, आज आप हमारे यहाँ भी आए हैं तो स्वागत करती हूँ। आप अपने पूरे परिवार के साथ, टीम के साथ आए हैं और मैं ज़रूर कहूँगी कि माँ शारदा के दर्शन कीजिए, कामता नाथ जी के दर्शन कीजिए, है ना, बागेश्वर धाम भी जाइए। जी प्रणाम मैडम, और सभी हमारे यहाँ पे उपस्थित गुरुजनों को मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। और मेरा नाम बद्री नारायण भद्र है, मेरे नाम से अपना YouTube चैनल है, और हमको देखने वाले सभी भारतवासियों को स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग आए हैं हमारे यहाँ के लोकप्रिय जो सांसद पिछली बार थे, अभी विधायिका हैं, प्रीति पाठक जी, मैं भूमिष्ठ प्रणाम करती हूँ। और मैंने आपका वीडियो देखा हूँ और बहुत आपने यहाँ पे काम करने के लिए खुद को निछावर किए हैं, और मोनालिसा को एक वुमेन एम्पावरमेंट के काम में सब लोग एनकरेज करते हैं, और एक महिला होने के नाते हम खुद को गर्व महसूस कर रहे हैं कि मोनालिसा जो उड़ीसा की एक गांव में एक गृहिणी है, एक जो सास ससुर का सेवा, बच्चों का ध्यान रखना और गाय बैल भैंस का भी ध्यान रखना और खेती बाड़ी में अपने को नियोजित करना, और हमारा ये सौभाग्य है कि गांव में रहते हुए भी हम लोग को ये मौका मिला और आपने हमको मिलने का भी समय दिया, इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा ये सपना है कि मोदी जी ने अब की बार जो 400 पार का नारा लगाए हैं, हम लोग भी जो हमारे देश भर के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमको कमेंट भी करते हैं, तो उनके जरिए भी हम लोग ये वीडियो के जरिए ये बोलना चाहते हैं कि हमारा अगर योगदान रहेगा तो हम लोग देश के हर जगह जाएंगे और इस मोदी जी के सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, प्रणाम। आपको शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए और देश के लिए काम कीजिए। जी धन्यवाद, और अच्छे मैसेज के साथ काम। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष पुन्नू खान, मैं सीधी का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 19 का, और मैं जात के मुसलमान हूँ और मैनोटी से आता हूँ। तो ये जो हमारे विधायिका जी हैं, हमारे मोदी जी के जो मंत्र के हिसाब से सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, आज मुस्लिम वर्ग में इनके आने से मोदी जी जितना काम कर रहे हैं हम मुसलमान भाइयों का, उसके कारण आज मुसलमान भाई सब जुड़ रहे हैं, भाई सबको मकान मिल रहा है, सबको लाडली बहना मिल रही है, सबको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, हर चीज़ में मुसलमान भाई चाहे हिंदू हो चाहे सबको बराबर सम्मान, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, जय भारत का। जी धन्यवाद, अभी यहाँ पे हम लोग हमारे भी सारे फॉलोअर्स बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुस्लिम वर्ग से आते हैं, और हम लोग भैया जी से मिले और उनसे उनका राय लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भैया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सीधी में आए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आप दोबारा आइए, जब भी आइए, हम मुसलमान भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की भी शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद भैया, बोलिए प्रणाम भैया, प्रणाम बोलिए। हमारी विधायक जो है सीधी की श्रीमती रीति पाठक जी, जनता में इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, ये क्या है, सब नारियों का बड़ा सम्मान करती हैं, बच्चों का सम्मान करती हैं,
और घर में जाती हैं, ना छूत छुआ, ना भेदभाव, ना जात पात हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ चलती हैं वो। आज इसीलिए जनता उनको, सीधी जिले की पूरी लोकसभा की जनता, आप तो विधायक बन गई हैं, पहले लोकसभा की सांसद थी तो चार विधानसभा उनके अंदर में थी, अब आठ, अब जो है तो सीधी विधानसभा की विधायक हैं। लेकिन जहाँ जाती तो एक भीड़ उमड़ हो जाती है, गरीबों, गरीबों की मसीहा है, गरीबों की सेवा करने वाली है, नारी शक्ति को सम्मान जैसे हम लोग देते हैं, ऐसे ही नारी वो जो है तो दुर्गा के रूप में आई है लोगों की सेवा करने के लिए। मोदी जी ने हम सबके बीच भेजा और हम लोगों ने, सीधी की जनता ने प्रयास करके वोट दे के 35,000 मतों से जिताया, अपार वोट दे के, जो कि त्रिकोणी मुकाबला था। उसके बाद भी सीधी की जनता ने इनकी लोकप्रियता देख के इनको इतना वोट दिया कि तीसरी बार है, दो बार लोकसभा जीती, तीसरी बार जो है तो विधानसभा। और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद, उनसे मिला और मुझसे बहुत लाड प्यार से बात भी की और मुझे ये गिफ्ट भी दिए। और आपको मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छी है। आप जब भी आइए सीधी जी, आप मिलिए, आपका स्वागत है आपके मध्य प्रदेश की धरती सीधी में। आपका कोई कष्ट हमारी विधायिका जी के तरफ से कोई भी चीज़ की कमी हो नहीं होगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बस।